हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी एंड एनर्जी के टाइप और देन आफ्टर उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, जो कि आपने नाइन्थ में पढ़ा था। तो उसको हम लोग फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय योर बॉडी इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी यू कैन सी हियर, एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ अर डूइंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। एंड देयर इज टू मेनली, जो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जीज में, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इसके अलावा विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मेनी फॉर्म्स आर, so we cannot discuss here each one of them, but in this curriculum we have to study the mechanical energy जो कि हमें physics में हम लोग को पढ़ना है, chemistry में आप पढ़ते हैं chemical energy पढ़ते हैं, जो mechanical में हम लोग पढ़ते हैं means physics में पढ़ते हैं basically, यहाँ पर हम लोग mechanical energy की बात करेंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली एनर्जी पॉजेस बाई अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट परफॉर्म सम मैकेनिकल वर्क इज नोन एज एनर्जी। ये एनर्जी का वो फॉर्म होता है जो कि किसी बॉडी के पास होता है, जिसकी वजह से ये वर्क मींस वर्क कर पाती है बॉडी, तो वर्क परफॉर्म करती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वन इज़ द काइनेटिक एनर्जी, another one is the potential energy. So there is two forms of mechanical energy, one is the kinetic, another one is the potential energy. So let us discuss first kinetic energy. Kinetic energy kya hoti hai aur iske liye expression kya use karenge? So basically iski jo definition hai, to kinetic energy is associated with the मोशन ऑफ अ बॉडी। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास द बॉडी इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी बॉडी के पास होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी हियर यू कैन सी द डेफिनेशन, एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मीन्स मोशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में होगी उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पॉजेस बाई अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द टोटल वर्क डन बाई द बॉडी जस्ट बिफोर कमिंग आउट टू रेस्ट, मीन्स अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, टोटल वर्क डन बाई द बॉडी जस्ट बिफोर डूइंग वर्क, मतलब बॉडी रेस्ट पे आने से पहले जितना वर्क बॉडी कर रही है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैन मास एम मूविंग, यहाँ पे मैन नहीं होना चाहिए, ये मास होना चाहिए, मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी वी नॉट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस कम टू रेस्ट, मींस एस डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रेस्ट पे आती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है। तो बिफोर द काइनेटिक एनर्जी वी शुड कैलकुलेट द वर्क डन। पहले तो वर्क डन हम अगर हम कैलकुलेट कर लें कितना बॉडी पे वर्क हुआ या बॉडी ने वर्क किया, तो उसी को हम इक्वेट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ले लिया, फाइनल वेलोसिटी वी इक्वल टू ज़ीरो लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट एस, तो आपका ये इक्वेशन आपने पढ़ा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वी स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ट्वाइस एक्सेलरेशन ए एस। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहाँ से एक्सेलेशन आ जाएगा माइनस वी स्क्वायर बाई टू ए एस, ये एक्सेलेशन आ जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेंस द फोर्स एक्टिंग अ बॉडी, फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली एम इंटू ए होता है, तो यहाँ से हमने लिखा यहाँ पे एम इंटू ए, यहाँ पे एक्सेलेशन पुट कर दिया
जो यहाँ पे निकाला उसको यहाँ पे पुट किया, तो फोर्स ऑन द बॉडी ये इतना फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क कितना करेगा, तो अब यहाँ पे अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स अप्लाइड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, तो यहाँ पे इसको मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली जितना हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं उतना बॉडी बॉडी फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो वो इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा द वर्क डन बाय द बॉडी। अभी हम वर्क पे बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो माइनस में है, अगर वर्क डन बाय द बॉडी तो वो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मीन्स प्लस हो जाएगा या फोर्स प्लस हो जाएगा। तो वर्क फोर्स ऑन बाय द बॉडी इज फोर्स ऑन द बॉडी, तो ये पॉजिटिव हो गया, वही वर्क फोर्स होगा बट ये पॉजिटिव हो गया एम वी स्क्वायर बाई टू एस। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो वर्क डन, इसके पहले वाले वीडियो में बोला था हमने, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखो डॉट प्रोडक्ट लिख दिया, फोर्स रख दिया, ये फोर्स वेक्टर रख दिया एम वी स्क्वायर एंड डॉट प्रोडक्ट एस कॉस जीरो रख दिया, कॉस जीरो वन हो गया, एस से एस बैलेंस हो गया, ये हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ये आ गया एक्सप्रेशन, द वर्क डन बाय द बॉडी हाफ एम वी स्क्वायर, एम वी नॉट स्क्वायर तो वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यही अमाउंट जो वर्क किया बॉडी ने, यही बॉडी में स्टोर्ड है एज अ काइनेटिक एनर्जी, सो इसको हम वर्क डन को क्या बोल देंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर या सिंपली हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के टर्म में हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग बॉडी विद वेलोसिटी वी हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एम से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ए एम वी स्क्वायर हो जाएगा, और एम वी क्या होता है, पी होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर दोनों साइड पी, तो इसको हम पी स्क्वायर, मीन्स काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन हो गया, पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन टू इंटू मास, ये होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, लीनियर मोमेंटम में। सो दिस इज अबाउट काइनेटिक एनर्जी, सो रिमेंबर द काइनेटिक एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि आपने 9th में भी डेराइव किया था, राइट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी इज दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, बॉडी की ओरिएंटेशन या पोजीशन पे डिपेंड करती है, बॉडी कहाँ पे रखी हुई है, जैसे कोई बॉडी सपोज ये अर्थ सरफेस या ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे रखा गया है तो ग्राउंड पे हम मानते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, आपने एच आई हाइट पे इसको उठा दिया तो एच हाइट पर ले जाके रख दिया इसको, यहाँ पे बॉडी को रख दिया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ आ गई, तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी पासेस बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट, वही पोजीशन मतलब कहाँ पे लोकेशन या ओरिएंटेशन, किस ओरिएंटेशन में रखा है या स्टेट मीन्स किस कंडीशन में रखा हुआ है, इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह से कई फॉर्म होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, कई मतलब अलग अलग फील्ड के वजह से होते हैं, जैसे ये ग्रेविटेशनल फील्ड से, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से होता है, तो ये फील्ड फोर्स होते हैं जो उनकी वजह से होती है बेसिकली। तो चलिए इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सपोज हमें इसको समझना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जी पी ई जो कि एम जी एच आपने पढ़ा होगा 9th में पढ़ा होगा, एम जी एच को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लीजिए। सपोज यहाँ पे हम कोई अर्थ सरफेस पे ग्राउंड पे कोई बॉडी रखा है ये जिसका मास एम है, अब इसका सेल्फ वेट एम जी नीचे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने इतना फोर्स लगा के, कितना एक फोर्स लगाया वो किसके इक्वल लगाया, एम जी के इक्वल लगाया,
इसको राइज करा दिया, मींस राइज कर दिया, ऊपर उठा दिया, कितने हाइट उठा दिया, एच हाइट पे, मींस यहाँ पे मास को रख दिया। अब इसकी हमें पोटेंशियल, अब मींस एच डिस्प्लेसमेंट कर दिया है। अब वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि फोर्स एम जी लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एच किया, तो वर्क वर्क डन ऑन बाय द बॉडी, बॉडी पे कितना वर्क किया, एफ एस इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे एंगल, तो एफ कितना है एम जी, दैट इज वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑन द बॉडी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, फोर्स कितना लगाया एम जी लगाया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया एच दिया, अलॉन्ग द फोर्स की, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन कितना हो गया एम जी एच, मीन्स बॉडी को एच हाइट उठाने में एम जी एच वर्क किया, मतलब बॉडी पे ये वर्क किया गया है। तो ये वर्क गया कहाँ पे, जैसे बॉडी पे बेसिकली यहाँ से उठा के, जैसे आप कोई चीज़ नीचे पड़ी हुई फ्लोर पे पड़ी हुई तो आप उठा के अलमारी पे या ऊपर रख देते हैं, तो उस आपने वर्क किया, वो वर्क कहाँ पे गया, मीन्स यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा तो वर्क कहाँ गया, दैट वर्क दैट इज डब्ल्यू इक्वल टू एम जी एच, इतना वर्क किया बॉडी पे, तो दैट वर्क वेयर इट गोज, बेसिकली दिस अमाउंट ऑफ वर्क हैज़ बीन स्टोर्ड एज द पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी, ये वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ग्रेविटेशनल दिस वर्क वॉज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन, मीन्स बॉडी को यहाँ से उठा के आप यहाँ पर रख दे रहे हैं, यहाँ पर एच हाइट पे उठा के रख दे रहे हैं, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपने बढ़ा दी, मींस पोटेंशियल वर्क करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आपने इंक्रीज कर दिया, मींस पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको यहाँ से अगर नीचे की तरफ गिराया जाए तो ये आपको इतनी इतना वर्क करेगा, एम जी एच आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा या इतना वर्क आपको दे सकता है। तो सिंपली जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन की बात की जाए तो एम जी एच ये होता है, बाकी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आपका 7th चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी 8th चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ेंगे थोड़ा।